सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़रूरा, जो कि एक प्रख्यात डिस्काउंट ब्रोकर है, और मोतीलाल ओसवाल, जो कि प्रख्यात फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, इनके कंपैरिजन के बारे में, अंतर के बारे में। इस कंपैरिजन में हम बात करेंगे कंपनीज के बैकग्राउंड्स की, खाता खोलने के, मेंटेन करने के शुल्क के बारे में, ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स पे, रिसर्च की प्रोमिनेंसी क्या है, ट्रेडिंग एजुकेशन का कोई इनिशिएटिव है तो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है, और भी कई अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इन दोनों कंपनीज के बैकग्राउंड से। ज़रूरा 2010 में एस्टेब्लिश हुआ है, काफी नया तरह का स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन भारत में डिस्काउंट ब्रोकिंग लाने वाला पहला स्टॉक ब्रोकर है। मोतीलाल ओसवाल वही 1987 करीब 30 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था। आज पूरे भारत वर्ष में मोतीलाल ओसवाल के 2200 सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज ऑफिस है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि आपके एरिया के, आपके लोकेशन के अराउंड आपको इनके सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज का ऑफिस मिल पाएगा। ज़रूरा वही नया है, लेकिन कुछ फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स ये अभी सेटअप कर रहे हैं। करीब 70 से 80 अलग अलग शहरों में इनके फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स आप देख पाएंगे। जहां तक बात है एक्सचेंजेस की, तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ मेंबर हैं। अगर आप इनके साथ खाता खोलना चाहते हैं तो ज़रूरा आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सिर्फ 200 रुपए लेता है, वहीं डीमेट अकाउंट के लिए आपसे 100 रुपए की राशि ली जाती है। आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल आपको 300 रुपया देना होगा। मोतीलाल ओसवाल आपसे ट्रेडिंग अकाउंट का 1000 रुपया चार्ज करता है। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है तो डेफिनेटली महंगा होता है, लेकिन डीमेट अकाउंट लेवल पे आपसे अकाउंट खोलने के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, लेकिन डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल आपको 440 रुपए देने हैं। तो उस लेवल पे डेफिनेटली ज़रूरा थोड़ा सा सस्ता मालूम होता है। अगर हम वही ब्रोकरेज की बात करें तो वही डिफरेंस सामने आएगा। ज़रूरा डिलीवरी ट्रेड्स के लिए आपसे कोई ब्रोकरेज ही नहीं लेता। इसका मतलब अगर आप आज स्टॉक बाय करते हैं, उसको कल या उसके बाद बेचते हैं, तो उसके लिए आपको ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं देना है। कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेज या कुछ टैक्सेस जरूर देने पड़ सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, लेकिन ब्रोकरेज लेवल पे आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बाकी सेगमेंट्स में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का ब्रोकरेज देना है, उससे कम जरूर हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मोतीलाल ओसवाल एक महंगा स्टॉक ब्रोकर है क्योंकि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, तो उस लेवल पे आपसे काफी ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करता है अलग अलग सेगमेंट्स में। डिलीवरी में आपसे 0.5%, जिसका मतलब है कि अगर आप 1,00,000 रुपए की ट्रेड करते हैं तो आपका ब्रोकरेज 500 रुपया बन चुका है। बाकी सेगमेंट्स में भी ठीक ठाक आपसे ब्रोकरेज चार्ज की जाती है, लेकिन वहीं मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होने के नाते आपको अलग अलग प्लान्स प्रोवाइड करता है और उसके बेस पे आप अपनी ब्रोकरेज कम करवा सकते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं adigitalblogger.com का। तो ब्रोकरेज लेवल पे दो तरह की प्लान्स हैं मोतीलाल ओसवाल के पास। पहला है वैल्यू पैक अकाउंट, जिसमें आप एक सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं एक स्पेसिफिक समय के लिए। तो जैसे आपने 2500 का प्लान लिया जो कि 30 दिनों तक माने रहेगा, उसमें आपका डिलीवरी का ब्रोकरेज 0.25% हो जाएगा, 0.5% से, तो करीब आधा हो चुका है सिर्फ आपके 2500 मंथली प्लान के बेस पे। वहीं अगर आप अपना ये सब्सक्रिप्शन वैल्यू बढ़ाते हैं और 50,000 तक ले जाते हैं, लेकिन ये वैल्यू आपकी माने रहेगी पूरे साल के लिए, तब आपकी ब्रोकरेज 0.18 रह जाती है, जो कि काफी कम है फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होने के नाते। बाकी सेगमेंट्स में भी ब्रोकरेज में काफी घटाव आप देख सकते हैं। तो उस लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना इनिशियल सब्सक्रिप्शन चार्ज दे सकते हैं। वहीं दूसरा प्लान है वैल्यू अकाउंट, जिसमें आपसे इनिशियल अपफ्रंट मार्जिन लिया जाता है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में एडजस्ट होता है। उसमें आपके जितना ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस ज्यादा होना होता है, उसके बेस पे मार्जिन आपको ब्रोकरेज आपको कम की अर्थ कर दी जाती है।
इसको दूसरी भाषा में समझाया जाए तो अगर आप इनिशियली मान लीजिए 50,000 से 1,00,000 के बीच में इनिशियल डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं तो आपकी ब्रोकरेज 0.2-0.3 के करीब हो जाएगी 0.5 के कंपैरिजन में। वहीं अगर आप 10,000-15,000 का इनिशियल डिपॉजिट देते हैं तो शायद आपकी ब्रोकरेज 0.45-0.5% डिलीवरी के लिए सेट की जाएगी। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना डिपॉजिट अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में डाल रहे हैं। इन दोनों अकाउंट्स में एक डिफरेंस है जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। मार्जिन अकाउंट में जो भी आप पैसा दे रहे हैं वो रिफंडेबल है, वो आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप वैल्यू पैक अकाउंट लेते हैं तो ये सब वैल्यूज नॉन रिफंडेबल है, इसमें आपको पैसा वापस नहीं आएगा। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, उसके बेस पे आप किसी एक प्लान का चुनाव कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज के लेवल पे मोतीलाल ओसवाल रिलेटिवली जरूरत से महंगा साबित होता है। आगे बढ़े और अगर बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, जिनको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले ये बता दें कि एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। तो जरूरत के केस में आपको 5 गुना तक एक्सपोजर मिलता है इंट्राडे में, वहीं मोतीलाल ओसवाल आपको 20 गुना तक प्रोवाइड करता है। जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो आप इंट्राडे में 50,000 रुपए तक की ट्रेड्स कर पाएंगे जरूरा के साथ और 2,00,000 रुपए तक की ट्रेड्स कर पाएंगे मोतीलाल ओसवाल के साथ। बाकी सेगमेंट्स में भी अगर नजर डालें तो रिलेटिवली मोतीलाल ओसवाल आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है फ्यूचर्स में, बाकी सेगमेंट्स में आपको जरूरा अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा। तो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेगमेंट में आपने निवेश करना है, उसके हिसाब से एक्सपोजर के बेस पे आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की तो ये बहुत ही मजबूत पहलू होता है किसी भी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर का। मोतीलाल ओसवाल आपको हर तरह का चैनल जिसमें ईमेल सपोर्ट, फोन, टोल फ्री नंबर और ऑफलाइन ब्रांचेस जो कि करीब 2,000 से ज्यादा है सब प्रोवाइड करता है। वहीं जरूरा आपको ईमेल सपोर्ट, फोन और कुछ फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स जो कि हमने इनिशियली बात की थी वो सब प्रोवाइड करता है। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन की, कितने समय में आपका इश्यू सॉल्व किया जाता है, जो भी मायने होते हैं कस्टमर सर्विस को जज करने के लिए, उसमें मोतीलाल ओसवाल जरूरा से काफी बेहतर है। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर का एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना और मोतीलाल ओसवाल उसमें खरा उतरता है। अगर हम बात करें अब रिसर्च की तो रिसर्च के लेवल पे हमेशा फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स आपको डेली रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस, ट्रेडिंग कॉल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। मोतीलाल ओसवाल भी ये सब चीजें प्रोवाइड करता है, इनका एक्यूरेसी भी अच्छा है तो उस लेवल पे आप इन पे ट्रस्ट विश्वास कर सकते हैं। ज़रूरा आपके लिए ये सब नहीं करता, डिस्काउंट ब्रोकर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनमें भी एक रेयरिटी है, ये अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ज़रूरा वार्सिटी है जिससे आप पढ़ सकते हैं 11 अलग अलग भाषाओं में और उसमें आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स सीख सकते हैं, फंडामेंटल सीख सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स के द्वारा। वहीं ओपन ट्रेड नामक एक इनिशिएटिव है जिसमें आप हैवी ट्रेडर्स, एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप किसी को फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो करते हैं वैसे जरूरत के इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके निवेश के, उनके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के ट्रेड्स को समझ सकते हैं, उसके हिसाब से अपने लिए अपने डिसीजन भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिंग सेगमेंट्स की तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आईपीओ एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। अगर आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप मोतीलाल ओसवाल का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम अब बात करें कुछ अन्य फीचर्स की तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ झलकियां मिलती हैं किसी भी फुल सर्विस वर्सेज डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में, स्पेशली रिलेशनशिप मैनेजर जो कि मोतीलाल ओसवाल प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आपके साथ एक एग्जीक्यूटिव को अटैच कर दिया जाता है, वो आपके पोर्टफोलियो के बेस पे आपको एडवाइस देता है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि किन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में आपको निवेश करना चाहिए अलग अलग लेवल पे। तो ये सब सुविधाएं आपको फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर दे पाते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको हर चीज जो उनके लेवल पे उपलब्ध है वो प्रोवाइड करते हैं काफी कम दरों पे। अब हम बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप की, तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। पहले बात करते हैं ज़रूरा की काइट मोबाइल ऐप के बारे में। जहां तक रेटिंग की बात है, ये ऐप रेटेड है 4.2 पे करीब 8,000 यूजर्स द्वारा, उसमें से करीब 10% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। इसका मतलब है ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 90% बनता है, जो काफी बेहतर है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से।
अगर आप जेरोडा की फोकस पे नजर डालें तो ये ऐप लास्ट टाइम मार्च 28, 2017 को अपडेट की गई थी। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल 2017 में, तो उस हिसाब से काफी बेहतर इनकी अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल है। जनरली ये 3 या 4 हफ्ते में अपनी मोबाइल ऐप को अपडेट करते हैं। अगर इंस्टॉल्स की बात करें तो ये ऐप 1 से 5 लाख बार इंस्टॉल की जा चुकी है, तो उस लेवल पे जेरोडा डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स की तरफ ध्यान देता है, उनको अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, स्पेशली वो उनको रेगुलर लेवल पे नए पैच प्रोवाइड करता है ताकि वो नए फीचर्स को एक्सेस कर पाएं, पुराने बग्स थे, पुराने जो इश्यूज थे वो भी फिक्स हो पाए। हालांकि जब हमने कुछ क्लाइंट से बात की जो जेरोडा की काइट मोबाइल ऐप को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उनका अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो कुछ कंसर्न जरूर सामने आए। जैसे कि इस ऐप में अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लो बैंडविड्थ पे चलता है तब भी आपको कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज आएंगे। वहीं अगर आप अपना टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि ये कंसर्न्स काफी रेयर देखे गए हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये इश्यूज आते हैं। तो रिकमेंडेशन के हिसाब से डेफिनेटली हम आपको जेरोडा की काइट मोबाइल ऐप रिकमेंड करेंगे। आप अपने लिए इस पर्टिकुलर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। वहीं अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल ऐप की, जो कि रेटेड है 3.8 पे करीब 3400 यूजर्स द्वारा, उसमें से भी करीब 20% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, तो उस लेवल पे इनका सेटिस्फेक्शन स्कोर बनता है अराउंड 80%, जो कि जेरोडा से कम है। अगर हम अपडेट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 18 फरवरी 2017 को की गई थी। ये जनरली अपनी ऐप को 7 या 8 हफ्तों में अपडेट करते हैं, जो कि बेहतर की जा सकती है। इस ऐप को भी 1 से 5 लाख यूजर्स ने इंस्टॉल किया है, जो कि एक रिलेटिवली अच्छा नंबर है। वहीं जब हमने इनके क्लाइंट से बात की इनके मोबाइल ऐप के बारे में जानने के लिए, तो कुछ कंसर्न्स हैं, स्पेशली जो फीचर्स हैं वो काफी लिमिटेड हैं। ये माना जा सकता है कि सिंस इनका फ्रीक्वेंसी अपडेट साइकिल काफी लंबा है, उस हिसाब से नंबर ऑफ फीचर्स भी लिमिटेड हैं, तो उस लेवल पे आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ सकती हैं। यूजेबिलिटी लेवल पे भी कुछ कंसर्न्स हैं। अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन लेवल पे डिजाइन ठीक लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ क्लटरिंग आपको नजर आ सकती है, काफी ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो उस लेवल पे यूआई यूजेबिलिटी लेवल पे कुछ ना कुछ कंसर्न्स जरूर आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप का चुनाव करना है तो डेफिनेटली इन दोनों में से जेरोडा की काइट मोबाइल ऐप बेहतर है, परफॉर्मेंस लेवल पे, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस लेवल पे, और भी काफी क्षेत्रों में आप इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप का चुनाव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम इस रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं adigitalblogger.com का। तो पहले जेरोडा की बात करते हैं, इनके पास वेब बेस्ड सॉल्यूशन है काइट वेब के नाम से, जो कि क्लाइंट वेट एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। वहीं उसके अलावा काइट मोबाइल है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। काइट कनेक्ट एपीआई भी है जो हैवी ट्रेडर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उनके टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ओपन ट्रेड जैसे हमने बताया एक सोशल कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, और जेरोडा पाई एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हैवी परफॉर्मेंस, हाई लेवल की स्पीड और ऑर्डर एग्जीक्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली अलग अलग डिवाइस के लेवल पे, अलग अलग प्रेफरेंसेस के लेवल पे आपको इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। अगर आप इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का रिव्यू हमने किया है adigitalblogger.com पे, जिसमें हम इनके फीचर्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स की बात करते हैं। जेरोडा काइट है, उसी हिसाब से काइट मोबाइल ऐप है, फिर उसके हिसाब उसके बाद जेरोडा पाई है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की है। आप डिटेल में ये आर्टिकल पढ़ के इनकी अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हैं। अगर हम आप बात करें मोतीलाल ओसवाल के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो ये भी आपको एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर देते हैं जो कि आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर। इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। मोबाइल एंड टेबलेट के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका रिव्यू आर्टिकल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वहीं अगर हम बात करें इनके वेब बेस्ड सॉल्यूशन की, तो वो भी उपलब्ध है, और इनके पास एक स्मार्ट वॉच ऐप भी है जो आप यूज कर सकते हैं और मार्केट के बारे में, अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते इस पर्टिकुलर वॉच ऐप के द्वारा, लेकिन बाकी सब सुविधाएं मार्केट के अनुसार आपको मिलती हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी मोतीलाल ओसवाल आपको प्रोवाइड करता है, तो उस लेवल पे दोनों स्टॉक ब्रोकर्स काफी आपको रेंज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डिवाइसेज के बेस पे आपकी इच्छा के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनने के लिए।
अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे, तो सिर्फ हम इस पर्टिकुलर रीजन के ज़रोडा ने सिर्फ कुछ ही सालों में, 6 या 7 सालों में ही इतना इवॉल्व किया अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को, अलग अलग डिवाइसेस के लेवल पे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी बताई गई है। कुछ कंप्लेन जरूर आती हैं कई बार कि ज़रोडा के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैंग हो जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस कभी स्लो हो जाती है, तो ये हर ट्रेडिंग एप्लीकेशन के साथ होता है। जो भी स्टॉक ब्रोकर आपको बोलता है कि उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खराब नहीं होता या हैंग नहीं होता, वो डेफिनेटली आपसे झूठ बोल रहा है। कुछ ना कुछ लेवल पे कुछ ना कुछ कंसर्न्स जरूर आते हैं हर पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। आखिरकार ये एक कंप्यूटर है, ये एक मशीन है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कभी भी किसी न किसी लेवल पे कंसर्न में आ सकता है। तो वहीं उस बात को कंटिन्यू करते हुए कि ज़रूरत के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ इस पर्टिकुलर मैच्योरिटी के लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में से। तो ये था डिटेल जो कंपैरिजन ज़रोडा और मोतीलाल ओसवाल के बीच में हमने अलग अलग मायनों के ऊपर चर्चा की है, इनके बैकग्राउंड के बारे में, खर्चे के बारे में, ब्रोकरेज के बारे में, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस के बारे में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब आपको देखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उसके बेस पे आप इन दोनों में से किसी एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको अपनी स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग स्टॉक ब्रोकर चाहिए या इन दोनों में से किसी भी स्टॉक ब्रोकर से आपको कॉल बैक भी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक aldistroblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जा सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं, अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं और उसके अनुसार हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे जिनसे बात करके आप अपने लिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में डेफिनेटली इसको शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल अ डिजिटल ब्लॉगर को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।